अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। सो बेसिकली बहुत सारे एस्पायरेंट पूछते हैं कि यार मेरे पास पाकिस्तानी लाइसेंस है, क्या मैं उस पे जो है ना कनाडा में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या पाकिस्तानी लाइसेंस पे गाड़ी चला सकता हूँ, रजिस्टर करवा सकता हूँ कि नहीं। तो बेसिकली इसका जवाब है यस, अगर आप विजिटर वीज़े पे हैं या इमिग्रेंट या आए हैं यहाँ पर एज ए इन मॉन्ट्रियल में बात कर रहा हूँ, तो आप 6 महीने तक जो है ना गाड़ी जो है ना पाकिस्तानी लाइसेंस पे रजिस्टर करवा के तो चला सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप की जब तक स्टडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोर्स 1 ईयर का है या फिर 2 ईयर्स का है, तो आप 2 ईयर्स जो है ना गाड़ी चला सकते हैं पाकिस्तानी लाइसेंस पर। और जब आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर हो जाए तो आप मॉन्ट्रियल में साक में जाके अपना जो है ना फाइल को ओपन करवा के जो है ना यहाँ का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। तो मैंने भी जो है ना पाकिस्तानी लाइसेंस जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा तकरीबन 1 महीने पुराना था, अभी 5-6 महीने हुए हैं, तो मैंने गाड़ी नो ली थी, तो वो मैंने ना पाकिस्तानी लाइसेंस पर ही रजिस्टर करवाई थी। तो बेसिकली आपको साक में जाना होता है तो वहाँ पे जाके आपको अपना लाइसेंस देना होता है और वो कुछ फ़ीस होती है उनकी नंबर प्लेट की गाड़ी की, वो चार्ज करते हैं, मुझसे 170 आलमोस्ट जो है ना उन्होंने चार्ज किए थे। तो उसके बाद आपको जो RID लगी हुई होती है नंबर प्लेट, उसको आपको न्यू वाली से रिप्लेस करना होता है। तो मुझे दूसरी सिटीज़ का तो नहीं पता, लेकिन आप मॉन्ट्रियल में एज इंटरनल स्टूडेंट जो है ना पाकिस्तानी लाइसेंस पर जो है ना गाड़ी चला सकते हो और रजिस्टर करवा सकते हो जब तक आपकी स्टडी है यहाँ पर। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन है रिगार्डिंग लाइसेंस, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसा कि मैंने अपनी वेबसाइट sialkotincanada.com पर जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह लिखना चाहिए, आप GIC फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा किस तरह सेंड कर सकते हैं, आप फी किस तरह यूनिवर्सिटी की पे कर सकते हैं, आप लिविंग एक्सपेंसिस क्या है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, बहुत सारे मैंने जो है ना आर्टिकल लिखे हैं। तो आप प्लीज़ वेबसाइट को जो है ना लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर इसको चेक कीजिएगा, बहुत सारी यूज़फुल जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको। दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग लाइसेंस और एनी अदर क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।